ये तो बहुत ही आसान सवाल है। टू नंबर्स आर लेस देन द थर्ड नंबर बाय 50% एंड 55% रिस्पेक्टिवली। So these are two numbers which are less than the third number. So take the third number. Okay, suppose this is the first number, this is the second number, and this is the third number. क्योंकि ये सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं, थर्ड में। तो आप थर्ड नंबर को 100 ले लीजिए। Suppose I have taken third number 100. So two numbers are less than the third number by 50%. तो पहला नंबर 50% कम है, 100 का 50% कम का मतलब कितना होगा? वो 50 होगा। 100 के केस में तो हम कर सकते हैं ना। और दूसरा कितना कम है? 55% कम है। 55% कम है तो कितना होगा? 45 होगा। ओके, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर आ चुके हैं। परसेंटेज में यू कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम यू दैट बाय हाउ मच परसेंट द सेकेंड नंबर इज लेस देन। अब ये जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितना कम है, लेस देन। तो दिस यू हैव टू फाइंड आउट कि 50 से ये 45 कितना कम है। तो आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड डिक्रीजिंग परसेंटेज। डिक्रीजिंग परसेंटेज कितना कम है, कितना डिक्रीज है? 5 डिक्रीज है। डिक्रीजिंग परसेंटेज इज इक्वल टू डिक्रीज वैल्यू अपॉन लार्जर वैल्यू इनटू 100। 52 ज़ा 5 2 ज़ा 10% विल बी द आंसर। सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज वाला फंडा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।